हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज आपके पास एक अजर्शन है, एक रीजन अंडरस्टैंड करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अजर्शन कहता है कैटलिस्ट ऑलवेज इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन। इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है, इट्स अ केमिकल सब्सटेंस विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ द रिएक्शन। विच ऑल्टर्स, ऑल्टर्स मीन्स इट इधर इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज, ऑल्टर्स द रेट ऑफ द रिएक्शन। सो इट्स नॉट लाइक कि हमेशा ही इंक्रीज ही करेगा, ये डिक्रीज भी तो कर सकता है। सो अजर्शन फॉल्स हो जाता है इस वजह से। ठीक है, रीजन कहता है अ कैटलिस्ट फॉर्म्स एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ लोअर पोटेंशियल एनर्जी, देन इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये बिल्कुल सही बात है। कैटलिस्ट क्या करता है, आपके जो रिएक्टेंट होता है इसके साथ में एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की पोटेंशियल एनर्जी लोअर होती है, यानी ये एनर्जी बेरियर उसका लोअर होता है, तो फटाफट से उसको क्रॉस कर जाता है। इस वजह से उसकी इंक्रीज हो जाती है रेट ऑफ द रिएक्शन, उस पर्टिकुलर रिएक्शन की इंक्रीज हो जाती है। सो अगर इसे ग्राफ से समझे तो कुछ ऐसे है, ये आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ये आपकी एनर्जी है इस डायरेक्शन में, ठीक है, वाई एक्सिस पे। सो लेट्स से एक रिएक्टेंट है जिसकी एनर्जी आर है, एक प्रोडक्ट बन रहा है जिसकी एनर्जी पी है। तो जब विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन जाएगी तो ये रिएक्शन को इस एनर्जी बेरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम ईए कह देते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन के केस में, फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन अगर आपने रिएक्टेंट के साथ में कोई कैटलिस्ट डाल दिया, कोई सब्सटेंस डाल दिया, केमिकल सब्सटेंस जिसने एक एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स बनाया और उसकी पोटेंशियल एनर्जी लोअर निकली, देखो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो सिर्फ इतनी ही निकली है, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स की, तो ये प्रोडक्ट क्या करेगा, फटाफट से बना देगा, क्योंकि इसको लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए टू क्रॉस द बेरियर, राइट। सो अगर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए बेरियर क्रॉस करने के लिए, यानी कि क्या कर रहा है, रेट को इंक्रीज करवा रहा है, फटाफट से वो कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन होगा प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, बेरियर क्रॉस कर जाएगा। सो रीजन ट्रू है, सो अकॉर्डिंगली आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।